हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? पिछली वीडियोस में मैंने पहला चैप्टर क्लियर करा दिया था एनसीईआरटी 10th मैथ का। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। तो पीछे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। तो अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई इक्वल पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्य अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे शून्य अंक में निकालने हैं। उसके लिए हम उदाहरण नंबर 1 पे आते हैं। यहाँ पे देखो, एक चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं। वो कहते हैं कि एग्जाम्पल अगर समझ में आ जाए अच्छे से तो क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन समझ में आ जाए तो एग्जाम्पल हो जाता है। तो देखो, यहाँ पे हमें ग्राफ दिया हुआ है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। यहाँ ओ बिंदु से ओ बिंदु दिया हुआ है हमारा, ठीक है। तो अब देख लेंगे हम इस लाइन की बात करते हैं। ये लाइन हमारी देखो एक्स एक्सिस पर कितनी बार टच कर रही है, एक बार यहाँ पे हो रही है और ये वाई पे हो रही है। तो मतलब एक बार ही ये एक्स एक्सिस पर टच कर रही है, ये वाली लाइन जो जा रही है आपको दिख रही होगी। तो इसी के लिए हम यहाँ पे कह देंगे कि शून्य अंकों की संख्या एक है। अगर एक्स अक्ष पे एक बार लाइन टच करेगी तो शून्य अंकों की संख्या एक होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब दूसरे के लिए देख लेंगे। ये लाइन देखो एक बार यहाँ पे टच कर रही है, ये वाई पे कर रही है, वाई से मतलब नहीं है, खाली एक्स अक्ष पे टच करनी चाहिए। तो एक बार यहाँ कर रही है और एक बार घूम के फिर यहाँ पे टच कर रही है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी शून्य अंकों की संख्या? दो। तो देखो उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है कि शून्य अंकों की संख्या दो है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो आप इसे जैसे यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह से एक कॉपी आती है, आप उस ग्राफ पे कर सकते हैं ये क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे ऐसी नॉर्मली लिख लिए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देख लेंगे यहाँ पे हमें एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश अक्षिस दिया हुआ है, ठीक है, ओ बिंदु से। अब यहाँ पे हमें ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन से ही पता चलेगा ये एक्स अक्ष पर जितनी बार टच करेगी उतने ही हमारे शून्य अंकों की संख्याएं होंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पता चल रहा है एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रही है, एक बार भी टच नहीं कर रही है। तो हम यहां से लिख देंगे इसका आंसर, यहाँ पे टच करनी चाहिए थी। अगर यहाँ पे एक बार भी टच करती तो शून्य अंक 1 हो जाता। तो यहाँ पे शून्य अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। शून्य अंकों की संख्या शून्य अंकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं करता है। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एक्स अक्ष को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे शून्य अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब देखो ये मैंने गलती से लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा, ठीक है। सेकंड में नीचे लिख रखा है, तो 3 को देख लेंगे पहले। तो देखो यहाँ पे एक्स, ये जो लाइन है एक्स अक्ष को कितने बार टच कर रही है? 1, 2। देखो एक तो यहाँ पे कर रही है एक बार, ठीक है, एक बार यहाँ पे कर रही है और एक बार यहाँ पे कर रही है, ठीक है। तो 3 बार टच कर रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर लिख के, ठीक है, शून्य अंकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अगर 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्य अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी?
थ्री हो जाएगी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड बताया था ये मैंने, क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैंने नीचे लिख रखा है, सेकंड मुझे ध्यान नहीं रहा था, ये यहाँ पे आना था क्वेश्चन, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट है ये, थर्ड है ये, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे हम देख लेंगे इस तरह से, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो लाइन जा रही है एक्स अक्ष को कितने बार टच कर रही है। तो ये एक्स अक्ष को एक और एक दो बार टच कर रही है, तो यहाँ पे शून्य अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी, ठीक है। आंसर लिख के चलेंगे, शून्य अंकों की संख्या, शून्य अंकों की संख्या दो है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इस तरह से हो जाएगा। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन है, ठीक है, एक समझ में आ रहा है, सभी समझ में आ जाएंगे, कुछ नहीं है, बस हमको देखना है कि ये लाइन कितनी बार टच कर रही है। जितनी बार भी ये लाइन एक्स अक्ष को टच करेगी उतने ही हमारे शून्य अंकों की संख्या होगी। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देखो ये एक बार यहाँ पे कर रही है, एक बार यहाँ पे कर रही है, एक बार यहाँ पे कर रही है, और एक बार यहाँ पे कर रही है, तो मतलब चार बार कुल मिला के टच कर रही है ये लाइन एक्स अक्ष को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर डाल के, शून्य अंकों की संख्या, शून्य अंकों की संख्या दो है, सॉरी चार है, चार बार टच कर रही है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को, ग्राफ एक्स अक्ष को चार बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां पे लिख दिया है, ठीक है, तो इसको देख लेंगे, एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रही है, तो वाई अक्ष है, एक्स अक्ष को सिर्फ एक बार ही टच कर रहा है, ठीक है, ये लाइन हमारे एक्स अक्ष को एक बार ही टच कर रही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिए आंसर डाल के यहां लिख देंगे, शून्य अंकों की संख्या एक है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। इसी तरह से देखो यहाँ पे देख लेंगे, मुझे ध्यान नहीं रहा था इसके, देखो लाइन दे रखी है हमें यहाँ पे, ये लाइन खींच लेंगे यहाँ से, ठीक है, तो ये लाइन यहाँ से जा रही है हमारी इस तरह से, ये जा रही है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम, यहाँ पे ओ बिंदु है हमारा, ठीक है ना। तो देखिए कितने बार टच कर रही है एक्स अक्ष को, एक बार, दो बार, और फिर ये तीन बार, ठीक है, खाली तीन बार टच कर रही है। तो आंसर डाल के लिख देंगे, शून्य अंकों की संख्या तीन है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने 2.1 आपकी इस तरह से क्लियर करा दी है, ज्यादा से ज्यादा एक नंबर में ही क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। तो 2.1 इस तरह से हमारी क्लियर हो जाती है। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे एक्स दो अक्षेस दिए हैं, एक्स और वाई, मतलब एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। तो हमको ये जो लाइन जा रही है, ये हमको देखना है कि एक्स अक्ष पर कितने बार टच कर रही है। जितने बार एक्स अक्ष पर टच करेगी, वो ही हमारे शून्य अंकों की संख्या वहां पे निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे की सारे ये 6 क्वेश्चन है सभी समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, तो आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।